हाय एवरीवन, HBTU कानपुर हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में लोकेटेड है 1921 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर इस कॉलेज का और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में एक लीडिंग गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल में नंबर वन कॉलेज है, क्योंकि अभी अगर हम IITs और NITs के बाद कोई भी अगर कॉलेज आता है तो वो है HBTU कानपुर यूपी स्टेट के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी में ये यूपी के अंदर सबसे टॉप का कॉलेज है। HBTU की जो काउंसलिंग है वो अलग से होती है और इनकी डेट बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाली है, तो आज हम HBTU कानपुर का एक कंप्लीट रिव्यू प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ कितनी कट ऑफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है, कितनी रैंक तक वाले बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताने वाले। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा कोई भी आपकी पर्सनल इंक्वायरी है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, कॉल करके हमारी टीम से डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि HBTU की काउंसलिंग में हर बार हम लोग बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। हमारा ऑफिस भी कानपुर में है तो यहाँ पर HBTU हमारे लिए एक लोकल कॉलेज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों की कॉलेज लाइफ कैंपस वाइज ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग क्लोजली HBTU को जानते हैं, तो इसलिए आपको बहुत एक बेहतर गाइडेंस यहाँ पे मिल सकता है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो बच्चे बाहर से आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत क्वेश्चन होता है कि सर ये कॉलेज हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप किसी दिल्ली NCR रीजन से हो, बाई चांस आप में से कोई नोएडा गाजियाबाद का भी बच्चा है, तो वो कानपुर आके HBTU अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस कॉलेज में आके पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यार प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें जानेंगे। HBTU कानपुर 1921 में एस्टैब्लिश हुआ था। इस कॉलेज का पूरा नाम हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। हारकोट बटलर जो थे वो एक केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट थे, केमिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पे इस कॉलेज को रखा गया था। इन्होंने 21 में 100 ईयर्स कंप्लीट किया और लगभग अभी तक 103 साल पुराना कॉलेज हो चुका है, तो आप यार आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना एलुमिनाई नेटवर्क क्या होगा। एलुमिनाई वगैरह बहुत अच्छे हैं। 90s में जिन लोगों ने यहाँ से बीटेक किया है 1970 में, 1980 में, 1990 के दौरान में, तो आज के टाइम पे वो सारे लोग बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज में, जिसका बेनिफिट यहाँ पे आने वाले बच्चों को मिलता है। जब आप इस कॉलेज में पढ़ने आओगे तो यहाँ पे आपको ये सारा नेटवर्किंग मिल पाएगी, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल पाएगा, तो एलुमिनाइज के मामले में बहुत यार स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। IIT कानपुर की जो क्लासेस थी वो HBTU के अंदर चलती थी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली हमारी जो सीट इंटेक है, ब्रांच वाइज सीट इंटेक, यहाँ पर काफी सारी ब्रांचेस हैं। ये आप एक देख सकते हो सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, IT। इसके बाद यहाँ पे एक आपको केमिकल की ब्रांचेज मिल जाती है, और केमिकल की ब्रांचेज में बहुत सारे बच्चों को एक डाउट भी होता है कि सर हम इन ब्रांचेज को हम कहीं ना कहीं जिनको हम लोअर ब्रांच बोलते हैं जनरली, इन जनरल जो हम बात करते हैं लेदर टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, ठीक है, पेंट और बायोकेमिकल जैसी ब्रांचेस को, इनको यहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर रखा गया है। अच्छी बात यह कि अगर आप यहाँ पे लेदर में भी पढ़ते हो तो अब आपको केमिकल की डिग्री मिलेगी। इससे पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आपको बीटेक इन लेदर टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती थी। HBTU ने इस चीज को अपडेट किया है, अब जो भी बच्चे यहाँ पे लोअर ब्रांचेस में आने वाले हैं, बाई चांस अगर आप ऑयल पेंट प्लास्टिक जैसी ब्रांच आपको मिलती है तो भी आपको यहाँ पर जो मेन डिग्री मिलेगी वो केमिकल इंजीनियरिंग की मिल रही होगी, तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। लेकिन इसके अलावा इन ब्रांचेज में भी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो बहुत सारे कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच से बेहतर मिलेगा। 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज पेंट प्लास्टिक फूड जैसी ब्रांचेज में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, तो यार अपने आप में एक इसी वजह से ये कॉलेज बहुत ज्यादा यूपी के अंदर डिमांडिंग है। और इसमें एक स्पॉट राउंड भी काउंसलिंग होती है जिसमें काफी सारी सीटें वैकेंट आती हैं और आपको ज्यादा रैंक पे एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम सीट इंटेक एक बार देखते हैं तो मेन जो ब्रांचेज हैं जिनमें जैसे बच्चे जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, IT ब्रांच में, सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं दो ब्रांचेस की है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 81 सीट्स हैं CSE के अंदर, कंप्यूटर साइंस में 81 सीट्स हैं, IT ब्रांच यहाँ पे दी गई तो IT ब्रांच में भी आपका 81 सीट्स हैं। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीट के हिसाब से यहाँ पर 5% जो सीट्स हैं, पहले 100% सीटें HBTU में यूपी स्टेट वाले बच्चों के लिए होती थी, बाद में इन्होंने 5% का एक रिजर्वेशन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रखा है। अब यार जो बच्चे बाहर से हैं उनको लगेगा कि सर 3 सीटें एक ब्रांच में तो क्या हमें एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा, मेरी रैंक अप टू 50,000 है, 1 लाख के अराउंड है, या 1 लाख से ज्यादा है, 2-3 लाख रैंक आ रही है, तो क्या हमें पॉसिबल है। डेफिनेटली आप HBTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लास्ट ईयर जो है अदर स्टेट वाले बच्चे बहुत कम थे जिसकी वजह से काफी सारी सीटें यहाँ पे वैकेंट थी, और जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं स्पॉट राउंड में या ऑनलाइन राउंड्स में तो उनको जरूर इस चीज का बेनिफिट मिला होगा, यहाँ पे बच्चों को सीट मिली होगी। तो आप लोग जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट है नंबर ऑफ सीट्स आप मत देखिए, आप डेफिनेटली अगर आपकी रैंक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक है, 3 लाख तक है तो भी आप HBTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मे बी हो सकता है आपको नीचे की कोई ब्रांच मिले, आपको पेंट फूड जैसी ब्रांच मिले, वो भी आपको बहुत सारे इवन NITs से भी, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के NITs की बात करूं वहां से एक बेटर ऑप्शन आपको HBTU कानपुर मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी ब्रांच की सीट इनटेक है। इसमें आपका EWS की सीट्स हैं, कुछ आपका लगभग 3 सीटें रहती हैं जो कि FW सीटें भी हैं,
लगभग 5% सीट्स यहाँ पे FW है, ये जो अदर स्टेट की सीटें, और इसी में से लगभग 75+3 का जो रेशियो है, इसमें से आपका ये 3 सीटें जो है ये FW वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इस कॉलेज की अगर फीस की बात करें, यहाँ पे जो टोटल आपकी फीस रहने वाली है, दिस इज द फी स्ट्रक्चर, 1,35,000। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर प्राइवेट कॉलेज जैसा फीस है, भाई काफी ज्यादा फीस ले रहे हैं, 1,35,000 रुपए पर ईयर आपसे फीस चार्ज करेंगे। हॉस्टल नॉर्मल रहेगा 61,000 पर ईयर इंक्लूडिंग मेस, मेस इंक्लूड करके आपका जो फीस है 1,61,000 आने वाला है। तो यार ये कॉलेज का इसलिए ज्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे कि आप फिजिक्स वाला पांडे सर को जानते हो, अलग पांडे सर को आप जानते होंगे, अलग पांडे सर इज द एलुमनाई ऑफ ड्रॉपर है फिलहाल, वो यहाँ पे उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी। ये तो सिर्फ एक नाम है जो हम सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, आप इनका एलुमनाई नेटवर्क चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे, या जस्ट आप गूगल पे सर्च करो SBTU फेमस एलुमनाइज, आपको यहाँ के एलुमनाई जो भी है उनका डिटेल मिल जाएंगी, और बहुत ही इनमें काफी ज्यादा सीनियर पोजीशन पे लोग हैं, तो डेफिनेटली यार एलुमनाइज वाइज बहुत अच्छा है, इसी वजह से इसका कॉलेज का प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया आता है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ पे, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो अगर हम ऑनलाइन राउंड्स की बात करें, ऑनलाइन राउंड्स में कैटेगरी वाइज ये हमारा होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक मैं रेफरेंस दे दूंगा, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी रैंक तक आपको यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों को एडमिशन मिल रहा होगा। अदरवाइज आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, HBTU की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, आप लिंक पे जाके डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये सारा डेटा अवेलेबल है। बट ये मेन राउंड का डेटा है, स्पॉट राउंड में भी ज्यादा रैंक तक एडमिशन होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये अगर एक्सपेक्टेशन है कि 4,00,000-5,00,000 रैंक पे आपको कोई कोर ब्रांच मिल जाएगी या CSE IT में कोई ब्रांच मिल जाएगी, तो भैया बिल्कुल नहीं है, CSE IT EC जैसी ब्रांचेज में आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोअर ब्रांचेज में 3 लाख के बाद, 3.5-3 लाख के बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो होपफुली आपको नीचे की ब्रांचेज मिलेंगी, केमिकल वाली जो ब्रांचेज है वो ब्रांचेज में आपको एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम बात करें कट ऑफ की, जनरल CSE के लिए 27,000 पे एक ऑनलाइन क्लोज हो गया है, ऑनलाइन होम स्टेट वाले बच्चों की बात हो रही है, और यहाँ पर EWS में 27,000 पे क्लोजिंग है, देन आपका OBC में 34,000 तक है, SC में 1,17,000 तक है, और SC में 1,94,000 रैंक तक CSE ब्रांच HBTU में अलॉट हुई है। और ये आपकी CRL रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी रैंक यूज नहीं होती है, और ये काफी बढ़िया रैंक है, हाई रैंक है आपकी कह सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे NITs मिल सकते हैं, काफी सारे अच्छे GFTIs के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, और बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, प्राइवेट में JP नोएडा जैसा कॉलेज आपको मिल सकते मिल जाएगा आराम से, CSE मिल जाएगा। अगर आप एक लास्ट रैंक जानना चाहते हो तो अराउंड 40,000-50,000 रैंक तक जनरल वाले कैंडिडेट्स को CSE या IT जैसी ब्रांच में एडमिशन इजीली मिला हुआ है, तो अगर आपकी रैंक अप टू 50,000 है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, CSE ब्रांच आपको यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट हम IT की बात करें, IT में जो एडमिशन है वो 30,000 रैंक तक आपको जनरल में, 35,000 तक EWS और 41,000 तक OBC, देन आपका इसके बाद 1,30,000, 1,30,000 रैंक तक SC कैटेगरी में IT ब्रांच, और ST के लिए 2,84,000, ये आपका IT ब्रांच का कट ऑफ है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे आपका ECE ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलेगी, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट है 34,000 इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल, 35,000 इलेक्ट्रॉनिक्स EWS, 43,000 आपकी रैंक है इलेक्ट्रॉनिक्स OBC, और आपका SC के लिए 1,17,000, फिर ST के लिए आपका लगभग 3,38,000 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ये हमारी मेन जो है कोर ब्रांचेज हैं, और बहुत सारे बच्चे आप में से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर CSE IT अगर नहीं मिल रहा है तो क्या हमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या सिविल में एडमिशन मिल पाएगा, तो एक बार आप ये डेटा भी फिलहाल ऑनलाइन वाला है, आपको सिविल में लगभग 1,15,000 1,20,000 रैंक तक एडमिशन मिला हुआ है स्टूडेंट्स को, तो सिविल में लगभग आपकी 1,00,000 के आसपास रैंक तक ही आपको एडमिशन मिलेगा, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ मैकेनिकल में 41,000 पे मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल रही है, 59,000 रैंक पे मैकेनिकल EWS वाले बच्चे को, 50,000 पे आपको OBC कैंडिडेट को, और SC के लिए 35,000 तक मैकेनिकल मेन ऑनलाइन राउंड्स में आपको अलॉट हुई है। सिविल भी आपका लगभग 51 पे है, 71 पे सिविल है, 78 पे OBC के लिए सिविल है, फिर 180 पे आपका SC को मिली हुई है, और SC कैटेगरी को 1,51,000 रैंक तक मिला हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे आपको ये पूरी कट ऑफ मिल जाएगी, इसको आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से भी, या ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एक एवरेज प्लेसमेंट या हाईएस्ट प्लेसमेंट की जो बात है, तो लगभग एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 8.82 LPA का ये आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे रहा है, जिसमें से मेनली आप CSE ब्रांच का प्लेसमेंट कह सकते हो, तो ये आपका एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 8.82 LPA का रहा है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज 44.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज HBTU के अंदर देखने को मिला है।
रिसेंट का या 24 का डेटा अभी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आगे अगर कुछ प्लेसमेंट का डेटा आता है देन डेफिनेटली हम लोग कम्युनिटी में शेयर कर देंगे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हो। और ये आपका एवरेज पैकेज, अगर आपको यहाँ पे पेंट फूड वाली ब्रांचेज में भी एडमिशन मिलता है, पेंट हो गया, फूड है आपका, इसके बाद या फिर आपका लेदर ब्रांच हो गई, इनमें आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिलता है तो लगभग कम से कम आपका 6 to 7 lakh का पैकेज यहाँ पे मिनिमम एक पैकेज रहने वाला है। तो यार इसलिए आप लोअर ब्रांचेज यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर जो बच्चे स्विच करना चाहते हैं वो CSIT की कंपनीज में भी बैठ सकते हैं, कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है। तो ये बेसिकली SBTU के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी। इन डिटेल कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए टीम को कॉन्टैक्ट करें, टीम से हेल्प ले सकते हैं।